मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों सबों को जय मसीह की। मेरे दोस्तों आज किस नए वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आइए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ वचन को शेयर करना चाहते हैं और यदि आप लोग इन वचनों को सुनते हैं देखते हैं तो आप लोग खुशी से आनंद से प्रेम से भर जाएंगे क्योंकि प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, आपके माता पिताओं से बढ़कर प्रभु आपसे प्रेम करता है। यदि आप लोग इन वचनों को सुनते हैं तो आप लोग समझ पाएंगे कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। वो सचमुच परमेश्वर महान है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने हमारे पापों को क्षमा किया और इस जगत के लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग प्रभु के इस प्रेम के शब्द को देखिए, आप इस प्रेम के वचन को देखिए, आप लोग सचमुच आनंद से प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे। तो चलिए हम लोग वचनों को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। हम वचन निकालते हैं भजन संहिता अध्याय 103 पद संख्या 8 को हम पढ़ते हैं। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेम में है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों प्रभु बहुत सहनशील है, वह हमारे पापों को हमारे दुखों को देखते हुए प्रभु क्रोध नहीं करता, वह सहता है उन सारी चीज़ों को। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों प्रभु हमेशा हमारे ऊपर दोष नहीं देता। कोई भी पाप हमसे होता है तो प्रभु हमको अपने पास बुलाता है, वो क्रोध नहीं करता, वो अपने पास बुलाता है और कहता है पुत्र तू हमसे क्षमा मांग ले, मैं तुम्हें क्षमा दूंगा। वो हम पर जल्दी क्रोध नहीं करता, वह हमसे प्रेम करता है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय प्रभु है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों इस संसार में बहुत सारे लोग पाप करते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन प्रभु हर एक लोगों से प्रेम करता है। प्रभु हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जिस तरह से हम पाप करते हैं, उस तरह का दंड हमें प्रभु नहीं देता। यदि उस तरह से करना चालू करें तो इस संसार में बहुत सारे लोग दंड के भागी बनेंगे और बहुत सारे लोग पाप करते हैं और बहुत सारे लोग दंड भोगेंगे, लेकिन प्रभु जल्दी दंड नहीं देता। जिस प्रकार हम पापों को करते हैं यदि प्रभु उस प्रकार का दंड दे तो इस संसार में कोई नहीं बचेगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों प्रभु हम लोगों को क्षमा करता है, प्रभु हम लोगों को अपने पास बुलाता है और प्रभु क्या कहता है पद संख्या 11 में, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। आकाश और पृथ्वी देख लीजिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों की कितना ऊँचा है, उतना ही ऊंचा प्रभु का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। जो लोग उन पर विश्वास करते हैं, जो लोग उनके मार्गों पर चलते हैं, प्रभु आपसे उतना प्रेम करता है। आप लोग सोच लीजिए, आप लोग जानिए, आप लोग समझिए कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है। प्रभु पद संख्या 12 में बोलता है पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। जब हम अपने पापों को मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों प्रभु के सामने स्वीकार करते हैं, जब हम अपने पापों को प्रभु के सामने मानते हैं तो प्रभु हमारे पापों को इतना दूर फेंक देता है, इतना दूर कर देता है। आप लोग पूर्व और पश्चिम को देख लीजिए, नज़र नहीं आने वाला है, लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों प्रभु उतना ही दूर हमारे पापों को फेंक देता है जब हम प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पापों को स्वीकार करते हैं। पिता जिस प्रकार अपने पुत्रों पर दया करता है प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों जिस प्रकार पिता आपसे प्रेम करता है, आपके पिता आपसे प्रेम करता है, आपकी हर एक ज़रूरतों को ख्याल रखते हुए आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करता है, उसी प्रकार प्रभु भी हमारी हर एक ज़रूरतों को, हमारी हर एक इच्छाओं को पूरा करता है और वो हमसे प्रेम करता है। जब भी कहीं हम मुसीबत में पड़ते हैं तो वो हमको संभालता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों प्रभु हमसे सचमुच अद्भुत, प्रभु सचमुच अद्भुत है। वो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, वो हमारे परिवारों से, हमारे माता पिताओं से बढ़कर प्रभु हमसे प्रेम करता है। प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग हमेशा प्रभु की अगुवाई में चलें, आप लोग कोई भी पाप ना करें, कोई भी अपराध ना करें, प्रभु के दिल को ना दुखाएं। जिस प्रकार प्रभु आपसे प्रेम करता है उसी प्रकार आप भी प्रभु से प्रेम करें और उनकी इच्छाओं पर चलें, उनकी आज्ञाओं पर चलें, उनके वचनों को मानते हुए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह।